बिहार में मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बार BSEB ने फूक फूक कर कदम रखा है। मंगलवार को बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2020 यानी कि 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार 80.59% अभ्यर्थी पास हुए हैं। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले इस बार भी टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया गया है। हालांकि आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने टॉपर्स विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन और इंटरव्यू विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान 18 मई को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उन्हें कॉल किया गया था और उसे पेन और पेपर के साथ उपस्थित होने को कहा गया था, जिसके बाद 8 से 9 टीचरों की एक कमेटी ने बारी बारी से उनका इंटरव्यू वीडियो कॉल के जरिए किया। कोरोना के संक्रमण के बीच लगातार राजनीति जारी है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा लगातार पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सुझाव दे रहे हैं और आज भी उन्होंने नीतीश कुमार के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए शॉर्ट टर्म नीति बनाने की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पत्र में सीएम नीतीश कुमार को 9 सुझाव दिए हैं। प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटरों में जाने से बचने के लिए नया खेल शुरू कर दिए हैं और बिहार के सहरसा में प्रवासी मजदूर सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतरकर क्वारंटाइन सेंटर जाने के बजाय सीधे घर चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि चेन पुलिंग करके दर्जनों प्रवासी ट्रेन उतरकर अपने अपने घर चले गए। कोरोना महामारी के बीच बिहार में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है। पटना में पारा 40 डिग्री के ऊपर हो गया है। वहीं गया की बात करें तो सबसे ज्यादा 45.7 सेल्सियस डिग्री के पार पारा चला गया। सोमवार को भीषण गर्मी में बेहोश होकर गिरने से डेल्हा में एक युवक और गया शहर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। जिला प्रशासन उनकी मौत की वजह की जांच कर रही है। सोमवार को गया का तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH सफाई कर्मियों ने यहां पर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि वेतन की मांग को लेकर हंगामा किया गया है। इस दौरान सफाई कर्मियों ने कामकाज को ठप कर दिया है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। RJD नेता तेजस्वी यादव ने गोपालगंज ट्रिपल मर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने इस हत्याकांड के आरोपी जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे को आतंकी करार दे दिया है। तेजस्वी यादव ने विधायक की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी, फिर से एक बार आपके आतंकी MLA की बर्बरता से एक ही परिवार के 3 अर्थियां एक साथ उठी हैं। एकमात्र बचे घायल गवाह के ने आपके MLA को नामित किया है। विनम्रता से कह रहे हैं, अगर 3 दिन में आतंकी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप समझिएगा, गृह मंत्री आप हैं, पुलिस उसे बचा रही है। ट्रिपल मर्डर का मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि मंगलवार को गोपालगंज में दिन दहाड़े एक और ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मृतक जदयू विधायक पप्पू पांडे के भाई सतीश पांडे का काफी करीबी था। घटना हथुआ के रेपुरा में हुई है। मृतक का नाम मुन्ना तिवारी बताया जा रहा है। बिहार में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यों में कोरोना मरीजों के तादाद में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की ताजा अपडेट की अगर बात करें तो मंगलवार शाम 6 बजे तक नए अपडेट के मुताबिक राज्य में कोरोना के एक व्यक्ति की और मौत हो गई है और मौत का आंकड़ा अब 14 पहुंच गया है। इस दौरान बिहार स्वास्थ्य विभाग से द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार से अब बिहार में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। वहीं कुल संख्या की बात करें तो 2870 हो गई है, जबकि इससे 800 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है, सरकार पर दबाव बनाने का है। अगर कोई खतरा है तो इसे सरकार नजरअंदाज कर रही है, तो उसे नजर में लाने का काम हमारा है। मैंने फरवरी में ही कहा था कि बहुत खतरनाक हालात होने जा रहे हैं और आज भी बहुत सी बातें मैं कह रहा हूं कि अगर वित्तीय मदद इन लोगों को नहीं दी गई, तो छोटे और मध्यम उद्योग की रक्षा नहीं की गई, तो जो नुकसान होने वाला है अभी तक वो दिखा भी नहीं है। लॉकडाउन में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के NH 722 का है, जहां सोमवार की देर रात ट्रक कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल युवकों को इलाज के लिए SKMCH भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।